तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी का चिंतन और मंथन जारी है, ऐसे में नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, आप देखिए तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस समय माया जी नजर आ रही है और ललिता जी है, और एक तरफ यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ साहब है या बाकी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। सर कितनी महत्वपूर्ण रहेगी, चूंकि वर्चुअल के बाद लंबे अरसे के बाद एक्चुअल हो रही है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी ने कहा है कि 2023 की तैयारी की दृष्टि से और संगठन के विस्तार की दृष्टि से ये बैठक है जी। तो क्या कुछ नया इसमें दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी एक्टिव नजर। बैठक तो शुरू हो जी, उसी में सब पता लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि तमाम इस समय पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ बैठे हुए हैं, तुलसी सिलावट है, महेंद्र सिकरवार है और तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह सर क्या माना जाए, किस तरह के प्रस्ताव आने वाले हैं और कितनी महत्वपूर्ण है वर्चुअल के बाद एक? हर तरह के प्रस्ताव जो राजनीति से जुड़े होते हैं वो सब आएंगे, राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, किसानों से जुड़े भी आएंगे, जनजाति से एससी से सबसे जुड़े प्रस्ताव आएंगे। ये राजनीतिक दल की बैठक है, राजनीतिक दल की बैठक है। लेकिन आप देखिएगा किस तरह की तैयारियां की गई है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेता एक तरफ, ये तमाम मंत्री लोग बैठे हुए हैं और साथ ही ये देखिएगा कई केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही अलग है, जिसमें एक तरफ पंकजा मुंडे जी भी पहुँची हैं। पंकजा जी से बात, पंकजा जी किस तरह के प्रस्ताव इसमें पारित होंगे? वो तो अभी मैं नहीं कह सकती, पर पिछले 3 दिन से संगठन की बैठकों में बहुत अच्छा माहौल रहा है, मंडल तक के कार्यकर्ताओं से हमारा संपर्क हुआ है और आज पूरे जोश से कार्यकारिणी हो रही है। पंकजा जी है कह रही हैं कि बहुत जोश के साथ यहाँ ये प्रस्ताव पारित होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो बहुत एक अलग रणनीति के साथ भी आगे बढ़ती है और जो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है वो भी नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी पहुंचे, राष्ट्रीय महासचिव है, पर इस कार्य समिति में ऐसी कई तरह की चीजें देखने को मिलेगी। भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। आज किस तरह के प्रस्ताव इसमें रखे? रिजोल्यूशन पॉलिटिकल प्रस्ताव आएगा, साथ में ही 100 करोड़ वैक्सीनेशन के ऊपर का एक ऐतिहासिक, जो इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीनेशन पर जो अभियान में हुआ है, साथ में ही मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस की जो शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से की है, इस पर भी एक रेजोल्यूशन लेकर के हम आएंगे।